डियर स्टूडेंट्स, अब आज आपका एक और टॉपिक है रे ऑप्टिक्स में, चैप्टर 9 में, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये इससे पहले जो मैंने दिखाया था पार्ट मिरर इक्वेशन में, ये उसी के साथ कंटिन्यूटी में है। ठीक, तो व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? आपको आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं मिरर के सामने, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, उसका इमेज या तो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है या बड़ा होता है, या इन्वर्टेड होता है या इरेक्ट होता है, अकॉर्डिंगली उसकी मैग्निफिकेशन, यानी कितना साइज बड़ा ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में या कितना छोटा हुआ, उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम जो डायमेंशंस लेते हैं, हाइट इन टर्म्स ऑफ हाइट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, इसलिए इसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक, एरियल मैग्निफिकेशन नहीं, जिसमें एरिया की हम देखें कितना मैग्निफाई हुआ ऐसा नहीं देखते हैं, सिर्फ यहाँ पर लेंथ वाइज देखते हैं, तो इसलिए इसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, ठीक, दैट इज हाइट ऑफ एन इमेज, इमेज कितना बड़ा है, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था उसके मुकाबले में जो रेशियो है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, जिसको हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन, हम एम से लिखते हैं, दैट इज एच आई ओवर एच ओ, दैट इज साइज ऑफ इमेज, ठीक, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। नाउ देखिए आप, नाउ सपोज वी हैव अ कॉनकेव मिरर हियर, ये उसका पोल है पी, एंड ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, लेट अस सपोज दैट दिस इज फोकस, फोकल पॉइंट, ठीक है, फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेट अस सपोज दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट ए बी हुज हाइट इज एच ओ, इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। नाउ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, ठीक है, एंड अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल विल गेट रिफ्लेक्टेड एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दे विल मीट हियर, इस पॉइंट पे वो मीट करेंगे और यहां पर इमेज बनाएंगे, ये आपका ए डैश, ये बी डैश, एक और रे ऐसे मानेंगे वो ऐसे वापस आती है, ठीक, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। नाउ अगर हम ये दो ट्रायंगल ए बी एंड पी, ए बी एंड पी, दिस इज एच आई, ए डैश बी डैश इज एच आई, हाइट ऑफ इमेज, तो अगर हम ये मान लें ये ट्रायंगल ए पी एंड बी, और ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, जो ब्लैक से और जो रेड से, ये आपस में सिमिलर है, क्यों? देखिए ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल आपस में बराबर, क्यों बराबर है? क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि आई बराबर होता है आर के, दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, बिकॉज टोटल सम इज 180, तो 180 में से जो वो दो निकालेंगे तो ये बचेगा, तो ये, सो दीज आर सिमिलर, सो देयर रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर्स मस्ट बी रेशियो ऑफ देयर इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस। सो अगर हम, सो यहां पर क्या है, ट्राइंगल ए पी और बी, ठीक है, इज सिमिलर टू किस ट्राइंगल के, ए डैश पी बी डैश, ए ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, ये दोनों सिमिलर है, देन देयर साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शनल, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, तो प्रोपोर्शनल जब होंगे दैट मीन्स इसका परपेंडिकुलर दैट इज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर दैट इज ए बी इज इक्वल टू इसकी बेस, वो क्या है, पी बी डैश डिवाइडेड बाय इसकी बेस पी बी, क्योंकि ये पॉइंट बी इधर है, ठीक है। नाउ
What is A dash B dash? That is height of the image. What is AB? Height of the object. तो यहाँ पर हमें क्या निकलेगा? This will be equal to M. ठीक है ना? Height of image और size of image or size of object. That is HI by HO. Now what is PB dash? PB dash. That is the distance of image. वो क्या है? V. But assigned convention के हिसाब से minus b, so it will be minus v, okay, not b, minus v. What is pb? It is the distance of object from the pole, so it will be minus u. ठीक है. Now यहाँ पर एक बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ये downwards है, ठीक, नीचे है, तो ये hi आपका minus हो गया. ठीक है, okay, यहाँ तक आ गई बात. तो अब हम यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे. So m असल में m क्या है? hi by ho, लेकिन यहां पर माइनस है, तो इस माइनस को हम कट करेंगे, तो यहां एक और माइनस लगेगा. ये माइनस और माइनस विल कैंसल आउट, तो बचेगा एक माइनस. सो m याद रखना चाहिए, हमें डिफिनेशन है hi by ho, माइनस hi by ho नहीं, इसलिए हमने माइनस यहां से हटा दिया, फिर हम इसको m लिख सकते हैं. ठीक है, सो m विल बी इक्वल टू माइनस वी बाई यू. ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन. अच्छा, ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला दोनों टाइप के मिरर के लिए सेम होती है, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव. कॉन्वेक्स का भी दिखाऊंगा. अब इसमें हम एग्जामिन करेंगे. देखिए, जो ये मिरर है कॉनकेव मिरर, ये अगर इसको इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट लाएंगे कहां तक? दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो ये हमेशा क्या बनाएगा? डिमिनिशड इमेज, छोटी. तो ये लेस देन वन होगा, लेस देन वन और नेगेटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन विल बी प्रोड्यूस नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज बनाता है तो नेगेटिव ही होगा. लेकिन देखिए, फिर से बताऊँ, जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट लाएंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक, तो क्या होगा? ये जो इमेज बनाएगा, इमेज हमेशा ये इस साइड में बनाएगा, दैट विल बी स्मॉलर इन साइज. सो एम क्या होगा? नेगेटिव और लेस देन वन. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू वन कब होगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा. ठीक है ना, तब इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर सेम. जब यहां अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एफ तक आएगा, उस केस में भी रियल इमेज बनाता है, लेकिन बड़ा क्या बनाता है? बड़ा इमेज बनाता है, मैग्निफाइड. जैसे यहां पर हमने रखा बिटवीन सी एंड एफ, यहां पर इमेज बड़ा आ गया. ठीक, जितना हम आगे ले जाएंगे पीछे इमेज उतना चला जाएगा और मैग्निफाइड हो जाएगा. तो उस ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक, इन्फिनिटी टू सी. ठीक है, अगर हम लाएंगे अब सी टू एफ, अगर सी टू एफ लाएंगे, तब मैग्निफिकेशन क्या होगी? मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव बट ग्रेटर देन वन बिटवीन सी एंड एफ. ठीक है, ये हो गया. तो m इज नेगेटिव एंड लेस देन और इक्वल टू वन. दूसरा, अगर c और f से लाए तो माइन नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल इमेज बना रहा है, बट इट विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटर देन वन. ठीक है, जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को लाएंगे कहां? बिटवीन पोल एंड फोकस, तब जो इमेज बनाता है ये इस साइड में बनाता है. ठीक है, वो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में वहां देख लेना, तो इरेक्ट बनाता है. सो m विल बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन वन. ठीक है, ये मैग्निफाइड होता है, एम विल बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन, सिर्फ इस केस में. ठीक है, कब? जब बिटवीन पोल एंड फोकस ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, ओके. अब मैं थोड़ा आपको कन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगा. सपोज दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, ऑब्जेक्ट, एक बात है कि जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो m हमेशा पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि एच आई भी हाइट, इमेज भी ऊपर ही होगा और ऑब्जेक्ट भी इसी तरह होगा, अपराइट ही दोनों होंगे, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, एच आई भी और एच ओ भी. अच्छा, और ये डिमिनिशड एप बनाता है इमेज, कहीं पर भी रखो. मिसाल के तौर पर यहां हमने रखी ये, ठीक, तो ये पैरेलल रे, ये कहां से? सपोज दिस इज फोकस, इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, तो इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी. ठीक, तो अगर एक और ले लें इस पे, तो ऐसे जाएगी, तो ये ऐसे बन गया यहां पर इमेज.
देखिए ये एच ओ है यानी ए बी, ये ए डैश बी डैश, ये एच आई है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो एम विल बी पॉजिटिव, बट चूंकि इमेज छोटी बनाता है सो एच आई विल बी लेस देन एच ओ, ठीक है, सो एम विल बी पॉजिटिव एंड लेस देन वन, ये कॉनकेव मिरर के लिए, एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नाउ रिलेशन बिटवीन एम यू एंड एफ एंड एम वी एंड एफ, उसके लिए हम रिलेशन निकालेंगे। देखिए एम अभी हमने देखा माइनस वी बाई यू, ठीक है, वी नो दैट मिरर इक्वेशन वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ, इसको आप इक्वेशन वन रखो ना, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय वी, ठीक है, तो वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा वी बाई यू प्लस वी बाई वी, वी बाई वी, ठीक है, इज इक्वल टू वी बाई एफ, सो वी एंड वी विल कैंसल, इट विल बी वन, वी बाई यू प्लस वन विल बी इक्वल टू वी बाई एफ, और वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ माइनस वन, और वी बाई यू इज इक्वल टू वी प्लस एफ डिवाइड बाई एफ, ठीक है ना, तो इसमें सब शूट करेंगे ये वी बाई यू का वैल्यू, सो एम विल बी इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस एफ है, ठीक है, वी वी बाई यू दैट विल बी वी माइनस एफ बाई एफ, ठीक, और एम इसको मल्टीप्लाई करो एफ माइनस वी बाई एफ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एम एफ एंड वी, यानी ये तब लगता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब आपको इन तीनों दो दिए होंगे तो तीसरा निकालना हो, तो अगर रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी निकालनी हो तब क्या होगा, नाउ ये जो इक्वेशन है मल्टीप्लाइंग दिस, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ऑन अभी हमने पहले वी से किया अब यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी यू बाई यू प्लस यू बाई वी इज इक्वल टू यू बाई एफ, दिस विल बी वन, सो वन प्लस यू बाई वी इज इक्वल टू यू बाई एफ, और यू बाई वी इज इक्वल टू यू बाई एफ माइनस वन, ठीक, और यू बाई वी इज इक्वल टू एलसीएम एफ निकलेगा, सो यू माइनस एफ बाई एफ, इसको उल्टा करो, सो वी रेसिप्रोकल को उल्टा करो, ठीक, रेसिप्रोकल बनाओ इसको, एफ बाई यू माइनस एफ, तो वी बाई यू इसमें सब शूट करेंगे फिर से, तो v by u का ये देंगे वैल्यू, सो m विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स f माइनस u माइनस f, और m विल बी इक्वल टू माइनस a मल्टीप्लाई करो f, यहाँ माइनस जाएगा, इट विल बी f माइनस u, ये एक और रिलेशन है बिटवीन m f एंड u, ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। नाउ ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो निकालना क्या है हमें u, हमें निकालनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक, ऑफ हाइट h फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, तो मिरर कॉनकेव है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो f माइनस 10 है, क्यों, क्योंकि ये मिरर कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर की जो रेडियस फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है एज पर न्यू मॉडर्न साइन कन्वेंशन, ठीक, सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, यहाँ पर देखिए रियल इमेज, तो अभी मैंने बताया कॉनकेव मिरर जब रियल इमेज बनाता है तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक, मैग्निफिकेशन ऑफ टू, ठीक है, सो मैग्निफिकेशन एम माइनस होगा, सिर्फ जब ये पोल और फोकस के दरमियान ऑब्जेक्ट हो तब पॉजिटिव होती है, वरना रियल इमेज की हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक, माइनस टू, ये हमें निकालना है, अभी हमें u निकालना है, यहाँ कोई v, p वगैरह इमेज डिस्टेंस नहीं दी है, तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने एक रिलेशन की थी जो बिटवीन m, f एंड u थी, क्या थी वो, तो अभी हमने जो रिलेशन निकाली थी बिटवीन u, f एंड m, वो क्या थी, m इज इक्वल टू f डिवाइड बाई f माइनस u, ठीक है, सो इसके बदले में 2 दो, माइनस 2, f कितना है माइनस 10, माइनस 10 माइनस u, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी माइनस 10, टू टेन्स आर 20, माइनस 2u इज इक्वल टू 10, इसको इस साइड में ले जाओ, माइनस 2u इज इक्वल टू 10 प्लस 20, और
यू माइनस टू यू इज इक्वल टू 30 और u इज इक्वल टू माइनस 30 बाई 2 दैट इज 15. सो u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर. सो ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म ऑब्जेक्ट विल बी प्लेसड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 माइनस साइन कन्वेंशन की वजह से आ रहा है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फेस एरिया is placed at a distance of 1.5 meter from the screen. ठीक, how far from the object should mirror be placed so that it forms a 4 centimeter square large image of the object on the screen. Also calculate the focal length of the mirror. How far from the object शुड द मिरर बी प्लेस, यानी ऑब्जेक्ट से कितना दूर मिरर हमें प्लेस करना है, डैट मीन्स हमें यू निकालना है. तो ये ऐसे न्यूमेरिकल है. देखिए हमारे पास लाइन है, यहां हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक, ऑब्जेक्ट ए बी. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर फेस स्क्वायर, उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 फ्रॉम द स्क्रीन. तो चूंकि इमेज जब रियल बनती है उसको स्क्रीन पे ले आ सकते हैं, तो यहां पर समझो हमने स्क्रीन रखा है. ठीक, जिस पे इसकी इमेज बनेगी. ठीक है, ये स्क्रीन है, इस पे इसकी इमेज बनेगी. ठीक है, फ्रॉम द स्क्रीन 1.1 फ्रॉम द स्क्रीन. तो ये कितना दूर रखा ऑब्जेक्ट, 1.5 मीटर. ठीक है, ओके. अच्छा, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट शुड अ मिरर बी प्लेस्ड. अब मिरर कितना दूर, समझो हमने यहां पर ये कॉनकेव मिरर बना लिया. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई यू. लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है यू इज इक्वल टू माइनस एक्स. क्यों माइनस एक्स, क्योंकि लाइट यहां से आ रही है और हम इस डायरेक्शन में माप रहे हैं, ये पोल है इसका. ठीक है, शो प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी अगर 1 सेंटीमीटर है उसको बड़ा दिखा के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इतने एरिया पे लाता है. मिसाल के तौर पर ये पूरे एरिया पे वो इसकी इमेज आ रही है ऑब्जेक्ट. ऑल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ. ठीक है ना, तो हमारे पास पहले इसकी एरियल मैग्निफिकेशन, इस ऑब्जेक्ट का कुछ एरिया है वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये साइज, इमेज साइज कितना है इसका, ये जो स्क्रीन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एम स्क्वायर यानी एरियल मैग्निफिकेशन. ठीक है, वो कितना है ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इमेज साइज कितना है, ऑब्जेक्ट साइज कितना है. ठीक है, सो इट विल बी 4. ओके, और एम इसका अंडर रूट वो क्या होगा प्लस माइनस इसका अंडर रूट दैट इज 2. तो ये हो गई लीनियर, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन एम है. चूंकि इमेज स्क्रीन पे आ रही है तो इट मीन्स इट इज रियल इमेज, तो रियल इमेज की मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होती है. सो एम पॉजिटिव हम रिजेक्ट करेंगे, एम इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, so we have placed it, suppose that we place the this distance screen this mirror x centimeter from the object. ठीक है, then magnification we know that magnification की formula क्या है minus v by u. ठीक है, now m कितना है minus 2, यहाँ निकाला हमने minus v. v कितना है, v is the image distance यहाँ से यहाँ तक. एक तो उसमें 1.5 है और कितना है यहाँ से यहाँ तक x यानी minus x. तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया v किसके बराबर बनेगा, एक तो हो गया -1.5, क्यों -1.5 एज पर साइन कन्वेंशन, और माइनस एक्स इतना. ठीक है ना, टोटल यहां से यहां तक इमेज डिस्टेंस है उसमें 1.5 मीटर ये हो गया, इतना हो गया x, सो माइनस एक्स. ठीक है, ये हो गई इमेज डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हमने ली है u इज इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक है, तो इसमें सब शूट करेंगे -1.5 माइनस एक्स, ये कितना है माइनस एक्स. ठीक है, अब
कॉमन वामन निकालो, मैं यहां से ये इसको मिटा देता हूं। देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 1.5 प्लस एक्स, यानी कॉमन निकाला मैंने यहां से माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x 1.5 प्लस एक्स, एक्स को यहां ले आओ, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5, चूंकि मीटर में डिस्टेंस है तो मीटर ही होगा, सो एक्स विल बी इक्वल टू 1.5 मीटर। तो अब स्क्रीन कितना दूर रखना है, u, u कितना है माइनस एक्स, तो u विल बी इक्वल टू माइनस एक्स, दैट विल इक्वल माइनस 1.5 मीटर, ठीक है। ये हो गया कितना दूर हमें ये रखना था, और हमें क्या निकालना है, v, ठीक है। तो v के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पर v क्या है हमारा, माइनस 1.5 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये दे दो, v इज इक्वल टू माइनस 1.5 माइनस एक्स, कितना हमारा निकला 1.5, नॉट माइनस 1.5, ठीक है, 1.5, सो इट विल बी माइनस 1.5, टोटल कितना होगा माइनस 3 मीटर, ठीक है। तो माइनस 3 माइनस क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में, तो ये कुल कितना है दूर 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय प्लस 1 बाय यू, तो दे दो 1 बाय एफ इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3, माइनस आएगा क्यों, यू भी माइनस है, कितना निकला था माइनस 1.5, ठीक है। तो इसको आप एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा, तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, एफ विल कम आउट, मैं सीधे आंसर लिखूंगा इसको सॉल्व करने के बाद, इट कम्स आउट टू बी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 मीटर, ये आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट दे सकते हो, फिर थोड़ा और आगे करेंगे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी, ये होती क्या है, सपोज वी हैव अ कॉनकेव मिरर हियर, पोल है इसका, नाउ वी एज्यूम दैट एन ऑब्जेक्ट इज आइदर मूव अलोंग द एक्सिस, ठीक, आइदर मूविंग अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द मिरर और इट इज मूविंग बैक, ठीक है ना, आगे या पीछे किसी वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, ठीक है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी आ रहा तो इस पे भी इमेज बनेगा, ठीक, जो इमेज बनेगा उसकी भी वेलोसिटी होगी, उसको कहेंगे हम इमेज वेलोसिटी, ठीक। तो इमेज अगर यहां आ गया तो पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, सो वी वॉन्ट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड द इमेज, जो वहां उस पर इमेज देखेंगे हम, उसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी, ठीक, उसके दरमियान रिलेशन हमें निकालनी है, बट केस इज हेयर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। वी नो दैट 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, डिफरेंशिएटिंग, चूंकि वेलोसिटी ले आनी है तो हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, differentiating with respect to time, then 1 by d by dt of v plus 1 d by dt of 1 by u, rate of change हमें velocity देखनी है, इसीलिए time with respect to time differentiate करें, 1 by dt 1 by, ठीक है। Now ये ऐसे भी लिख सकते हैं, v raise power minus 1 प्लस यू रेज पावर माइनस 1। अब इसकी डिफरेंशिएशन फोकल लेंथ की क्या है, जीरो, क्यों, फोकल लेंथ मिरर की जो है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी, सो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, माइनस 1 दैट इज माइनस वी रेज पावर माइनस 2 डी वी बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन क्या होता है, n into x raise power n minus 1, ठीक है ना, तो वही यहां पर हमने लगा दी, यहां आएगा माइनस u square माइनस u square du by dt
इज इक्वल टू जीरो। अब इसको इस साइड में ले जाएंगे, इसको यहीं पर रखेंगे, सो माइनस इसको ले जाओ उस साइड में, इसको माइनस वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू यू माइनस टू, ठीक है, यू रेज पावर माइनस टू, ये प्लस हो जाएगा डी यू बाई डी टी, ठीक है। नाउ इसको इस साइड में ट्रांसफर करो और माइनस को भी साथ ले जाओ, तो अब इसको लिखेंगे, ये इधर चला जाएगा, सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल माइनस, यहाँ चला जाएगा माइनस u रेज पावर माइनस टू v रेज पावर माइनस टू डी यू बाई डी टी, ठीक है। नाउ इसको माइनस ये ऊपर चला जाएगा नीचे, क्योंकि माइनस पावर है, वी कैन राइट इट एज डी बाई डी टी, ये बनेगा माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस इसको हम लिखते हैं इमेज वेलोसिटी कैपिटल आई, ठीक, कैपिटल वी बाई सफिक्स आई, सो इमेज वेलोसिटी माइनस, चूंकि पता है एम किसके बराबर होता है माइनस वी बाई यू, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस खत्म वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस एम स्क्वायर, ठीक। इट इज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इमेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी व्हेन इट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका केस सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, केस सेकंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तब क्या होगा, ठीक है। नाउ केस सेकंड, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, लेट अस सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कहीं, वो अब इसके अलोंग नहीं जाता है, परपेंडिक ऐसे जाता है, ठीक ठीक है, और ये इमेज कैसे जाएगी, क्योंकि रियल बना है तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए, चूंकि इसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से सेम रहती है इस डायरेक्शन में, सो जो पहले उसने मैग्निफिकेशन लाई होगी उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ये नीचे चला आएगा, इसको ये ऊपर चला जाएगा, ये दिखेगा नीचे जा रहा है इमेज, ठीक है ना, बात समझ में आई, तो इसमें फर्दर मैग्निफिकेशन नहीं होगी, क्यों, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, ये वर्टिकली ऐसे जा रहा है, इमेज नीचे आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब है यू और वी, ये जो वी है ये चेंज नहीं होगा, ऑटोमेटिकली मैग्निफिकेशन चेंज नहीं, लेकिन देखने वाला जब ये चलेगा तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी। नाउ मैग्निफिकेशन, लेट अस सपोज दिस इज एक्स, एट ए एक्स है तो मैग्निफिकेशन एम क्या आएगा, वाई बाई एक्स, सो इट विल बी कॉन्स्टेंट, देयर विल बी नो फर्दर मैग्निफिकेशन, जो पहले थी वही, क्योंकि यू भी सेम रहता है, बिकॉज मैग्निफिकेशन क्या होती है, बराबर माइनस यू बाई वी बाई यू, जब यू और वी चेंज नहीं होता तो एम कॉन्स्टेंट रहेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वॉट विल बी दिस, y will be equal to m into x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके differentiating, dy by dt is equal to m dx by dt, what is this, this is image velocity, क्योंकि y coordinate change हो रहा है image, so this is vi, m dx by dt, image की जो distance ऐसे मैंने बताया, ठीक, ये y है, so वो जो y ऐसे डिस्टेंस हो रही है, ठीक है ना, ये x ऐसे, सो m, सो इट इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, तो इस केस में vi इज इक्वल टू m टाइम्स vo, ठीक है, ये थी ये इस केस में रिलेशन, ओके।